हेलो स्टूडेंट्स, तो आ जाइए। आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हमारा टॉपिक क्या एलसीएम। फिर से आप लोग के दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि सर अभी तो हमने एलसीएम खत्म ही किया, हमने एलसीएम के सारे टाइप्स देख लिए, मतलब सारे मेथड्स देख लिए, कौन कौन से मेथड्स हमारे पास सॉल्व करने के, उसके कई सारे एग्जाम्पल्स देख लिए, फॉर टू नंबर्स, फॉर थ्री नंबर्स, उसके एलसीएम ने फोर फाइव नंबर्स भी मतलब प्रैक्टिस की होगी आप लोगों ने। फिर उसके बाद हमने उसे कंबाइंड वीडियो भी देख लिया जिसमें हमने ये देखा कि एलसीएम कौन कौन से जो तीन मेथड्स है कब कौन से मेथड अप्लाई करनी चाहिए हमें, है ना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सिंपल थी और आप लग गए बड़ी मेथड पे, है ना, बड़े क्वेश्चन थी और आप लिस्टिंग मल्टीपल्स में लग गए। ऐसे तो कई सारी चीज हमने अपने लास्ट की वीडियो में देखी है, फिर भी आज फिर से एलसीएम ये आप दिमाग में आ रहा हो, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। मैं आपको बता देता हूँ आज का हमने ये इसलिए लिया लेक्चर एलसीएम के ऊपर, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है हमारा एलसीएम का सबसे फर्स्ट लेक्चर क्या था, याद है किसी को बताइए, कमेंट कीजिए। तो हमारा एलसीएम का सबसे फर्स्ट लेक्चर क्या था, इंट्रोडक्शन। हमने क्या देखा था, एलसीएम का इंट्रोडक्शन, है ना। एलसीएम के इंट्रोडक्शन में आपको पता ही होगा कि हमने क्या देखा था, एलसीएम के बारे में जाना था, एलसीएम क्या होता है पता है सभी को, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये सब फिर उसको समझा था क्या होता है, क्यों इसका नाम पड़ा, ये सारी चीज हमने देखी थी। उसके बाद आपको याद होगा तो हमने एलसीएम के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कुछ देखे थे, याद है आप सभी को, है ना। तो हमने कौन कौन ऐसे तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स होते, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे रियल लाइफ में जहाँ पर एलसीएम का यूज होता है या फिर जहाँ हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या देखा था, हमने दो एग्जाम्पल लिए थे आपके याद हो, एक तो ड्रम बीट का याद आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत, है ना, स्कूल या कॉलेज फंक्शन 26 जनवरी 15 तक उसका परेड का एग्जाम्पल लिया था ड्रम बीट का। एंड सेकेंड एग्जाम्पल लिया था रेसिंग ट्रैक का, साइकिलिंग का, है ना, एक साइकिलिंग ट्रैक मतलब रेसिंग ट्रैक है, उसमें तीन स्टूडेंट या तीन पर्सन साइकिल कर रहे हैं, याद आ रहा है, तो ठीक है। तो उसी एग्जाम्पल को हमने उस समय सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि एलसीएम कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ कहाँ काम आता है रियल लाइफ में। अब उसी चीज को देखो, उस समय जब हम स्टार्ट करें उस समय आप सभी के पास वो सारी मेथड्स नहीं थी, कैसे सॉल्व करना है वो नहीं पता, अब आपको सारी चीज क्लियर है, आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर है एलसीएम के। अब हम वो एप्लीकेशन या फिर वो एग्जाम्पल जो रियल लाइफ में यूज होते हैं उसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, है ना, कैसे वो अप्लाई होते हैं, कैसे वो यूज होते हैं। तो आज आइए हम फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने लिया था उसको देखते हैं सॉल्व करके, एलसीएम कैसे मतलब कैसे एलसीएम अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आइए, तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा जब हमने इंट्रोडक्शन के टाइम फर्स्ट लेक्चर एलसीएम का जब देखा था, हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल देखे थे उसका फर्स्ट एग्जाम्पल ही है ना, डायग्राम समझ जाइए, है ना। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए एक बार, अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर से समझाता हूँ। हमने ये एग्जाम्पल लिया था कि एलसीएम हमारे रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है, तो हमने ये एग्जाम्पल लिया, सपोज करो किसी स्कूल या कॉलेज के फंक्शन में, है ना, इंडिपेंडेंस या रिपब्लिक डे के फंक्शन में परेड होती है या किसी और फंक्शन में परेड होती है, तो उस समय ड्रम बॉयज होते हैं, कोई भी समझ, तीन बॉयज है ए बी सी, तीनों ड्रम बजा रहे हैं, ठीक है। अब कंडीशन ये स्टार्टिंग पोजीशन है, जब परेड स्टार्ट होगा तब फर्स्ट टाइम पे तो तीनों एक ही साथ ड्रम बजाएंगे, यानी फर्स्ट साउंड जो ड्रम का सुनाई देगा तीनों का एक साउंड सुनाई देगा क्योंकि एक ही बारी में वो लोग बजा रहे हैं, ठीक है। अब ये कंडीशन जब फर्स्ट टाइम बजा दिए तीनों ने, उसके बाद फर्स्ट बॉय जो है बॉय ए वो हर तीन सेकंड बजाएगा, फर्स्ट टाइम बजाए उसके तीन सेकंड होने के बाद फिर से वो बजाएगा, फिर तीन सेकंड होने के बाद फिर से, जो बी बॉय है वो हर 5 सेकंड से बजाएगा और जो सी है वो हर 10 सेकंड बजाएगा, ये समझ में। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि ऐसा कौन सा नेक्स्ट टाइम आएगा जिस टाइम पर तीनों के ड्रम एक साथ बीट होगी, तीनों बॉयज एक साथ ड्रम बजाएंगे, स्टार्टिंग कंडीशन में तीनों एक साथ बजा रहे एक साउंड आ रहा है। देखो अब समझो, मान लो स्टार्टिंग कंडीशन तीनों ने बजाया बजा, है ना, तो तीनों ने एक साथ बजाया एक साउंड, अब 3 सेकंड बाद ए बजाएगा, फिर उसके 2 सेकंड बाद बी बजाएगा, फिर 5 सेकंड बाद सी, यानी अब सेकंड जब बजा रहे हैं तो अलग अलग साउंड आ रहे हैं, यानी डिफरेंट, थर्ड में अलग, तो ऐसा कौन सा टाइम आने वाला है कि फिर से फर्स्ट कंडीशन की तरह स्टार्टिंग कंडीशन की तरह सेम साउंड आ जाए, एक ही बारी में तीनों ड्रम बीट करे, है ना। तो ये कंडीशन इसमें हम एलसीएम कैसे अप्लाई करें, अब आपको समझाता हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट एलसीएम जो कंबाइंड हमारा एलसीएम का वीडियो था उसमें हमने ये देखा था कि कई सारे नंबर्स होते हैं, कुछ नंबर्स आपको ये डिसाइड करना है किस क्वेश्चन को कौन से मेथड से सॉल्व करना, हमारे पास तीन मेथड है, लिस्टिंग द मल्टीपल्स, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड, है ना। तो हमने बोला था जब छोटे छोटे वैल्यूज 3 हो 5 हो 7 हो 8 छोटे छोटे वैल्यूज हो तो हम लिस्टिंग द मल्टीपल्स यूज कर सकते, ऐसे तो ये क्वेश्चन तीनों मेथड से सॉल्व करो तो सेम आंसर है, जैसे कि हमने अपने लास्ट कंबाइंड लेक्चर में देखा था ना,
तो उसी हिसाब से हम इसको सपोज करो हम लिस्टिंग में मल्टीपल्स वाले सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग लिस्टिंग द मल्टीपल्स, ठीक है, ये मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं इस क्वेश्चन, ठीक है, ये वाली मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सही में आ रहा है, ठीक है, तो लिस्टिंग द मल्टीपल्स में एक बार आपको फिर से रिवाइज हो जाए, लिस्टिंग द मल्टीपल्स में क्या है, तो हमारे पास तीन वैल्यू, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, तो आ जाइए लिख देते हैं, 3 सेकंड, सेकंड हम नहीं लिखेंगे, लास्ट में समझ आएगा, अभी मैं सेकंड, ये सभी सेकंड्स में, 3 सेकंड, 5 सेकंड एंड 10 सेकंड, है ना, ठीक है, तो क्या है, थ्री के मल्टीपल्स हमने, हमको लिस्ट आउट करना, लिस्ट बनाना, थ्री के मल्टीपल्स, थ्री, थ्री के बाद 6, 9, 12, 15, 18, देन 21, 24, 27, 30, 33, ऐसे करते करते लंबा जाएगा, अब बात करते फाइव के मल्टीपल्स, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ओके, ठीक है, ऐसे करते करते, ठीक है, अब आ जाइए 10 की, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, then 100, तो ये हमारा क्या लिस्टिंग द मल्टीपल जो मेथड वन था हमारा, क्या काम करना था, जो भी हमारे पास गिवन नंबर से हर एक के मल्टीपल्स लिखना है, ये तो आगे बढ़ता रहेगा, है ना, फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ, सेकंड स्टेप क्या है, हमको इन तीनों में कॉमन चीजें फाइंड करना था, कॉमन, है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल लिख दिया, कॉमन फाइंड आउट करना है, तो कॉमन क्या फाइंड आउट करेंगे, मतलब कॉमन कहां से आएंगे, देखो सबसे पहले देख लो, 3 है ही नहीं, 6 भी नहीं, 9 भी नहीं, 12 कहीं भी नहीं, और तीनों में कॉमन, ऐसा नहीं कि इन दो में कॉमन है, इसमें नहीं, ठीक है, 15, ओके, 15 है, 15 इसमें है, लेकिन इसमें 15 नहीं है, 10 के बाद सीधा 20, 18 नहीं, 21 भी नहीं, ये 20 आ गया, 24 भी, ये 25, 27, 30 इसमें है और इसमें, तो देखो ये रहा 30, ये रहा 30 और ये रहा 30, मिला कॉमन, पर आपको मैं बता दूं ऐसे और आगे चलते जाओगे तो और भी कॉमन मिलेंगे, हमने जो फर्स्ट मेथड किया, जब फर्स्ट हमने लिस्टिंग द मल्टीपल्स मेथड वन किया, तो उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया था कई सारे कॉमन और अप्रोक्स 3 कॉमन लिए, लेकिन आपको बस हमको क्या करना, लोवेस्ट फाइंड कर लो, अगर नेक्स्ट भी आएगा तो इससे बड़ा वैल्यू होगा, नेक्स्ट भी आएगा तो इससे 30 से बड़ा होगा, हमको तो लोवेस्ट करना है, तो डायरेक्टली हमारा आंसर क्या आ गया, एलसीएम किसका, 3 सेकंड, 5 सेकंड एंड 10 सेकंड का आंसर आ गया 30, 30 क्या सेकंड्स में, है ना, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर, है ना, तो आपको क्या फाइनल आंसर है, मैं समझा दूं, 2 सेकंड, हमने क्या अप्लाई किया, हमने अप्लाई किया एलसीएम, देखो हमने मेथड 1 अप्लाई किया, आप मेथड 2 प्राइम फैक्टराइजेशन भी अप्लाई कर सकते थे, डिवीजन मेथड भी अप्लाई कर सकते, तीनों से सेम आंसर आता, लेकिन आपको देखना है कौन सा मेथड कहां अप्लाई करना है, जैसा कि इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा, तो फाइनली हमारा आंसर है किसी भी एक मेथड को अप्लाई करके हमारा एलसीएम इस एग्जांपल का आ गया 30 सेकंड, तो यानी ये जो हमारा आंसर है 30 सेकंड, यानी जब आप टाइमर शुरू करेंगे, तो मान लो एग्जांपल लेते 4 बजे हमने स्टार्ट किया परेड शुरू, पहला 4 बजे हुआ, तो अगला 30 सेकंड में ए जब ड्रम बजाएगा तो उसी समय बी भी बजाएगा, उसी समय सी भी हो जाएगा, है ना, तो नेक्स्ट 30 सेकंड में तीनों एक साथ ही ड्रम बजाएंगे, फिर उसके बाद फिर से कंफ्यूजन, मतलब आगे पीछे होगा, ऐसे करते करते जो लोवेस्ट क्राइम सॉरी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो हमने निकाला उसको हमने इस तरीके से अप्लाई किया इस एग्जांपल में, तो हमको क्या निकालना था, नेक्स्ट कौन सा टाइम आने वाला है जिसमें सेम साइज सेम टाइम पे ड्रम बीट होगा, तो 30 सेकंड आगे, सही है ना आपको, तो उस समय सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल बताया था, आज आपको सॉल्व कर दिया, सही है, वो जो सेकंड एग्जांपल था वो भी हम ले लेते हैं, आ जाइए, तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा एग्जांपल नंबर 2, जो हमने इंट्रोडक्शन के टाइम एलसीएम का जो फर्स्ट लेक्चर था, फिर से बताता हूँ, इंट्रोडक्शन के टाइम जो रियल लाइफ एग्जांपल देख रहे थे उसका सेकंड एग्जांपल, उस समय हमने क्या बोला था, सपोज करो एक कुछ सर्कुलर शेप है, राउंड शेप में एक ग्राउंड है, जो भी है, मतलब है ना, एक साइकिलिंग ट्रैक है,
रेसिंग ट्रैक है वैसे तो, इसमें स्टूडेंट तीन स्टूडेंट एक्स वाई जेड साइकिलिंग कर रहे हैं, है ना। ध्यान से सुनना क्वेश्चन, है ना। ये आ रहा है स्टार्ट पोजिशन, स्टार्टिंग पोजिशन ये, ये हमारा क्या है स्टार्टिंग पोजिशन, है ना, हमारा स्टार्टिंग पोजिशन, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो जब इनिशियल कंडीशन है, स्टार्टिंग कंडीशन, उस समय तीनों स्टूडेंट या तीनों बॉयज, तीनों पर्सन एक ही साथ हैं। मतलब अब आपको पता है जब भी कोई भी रेस हो, स्टार्टिंग पोजिशन तीनों सेम, जितने भी पार्टिसिपेंट तीनों एक साथ होते हैं या जितने भी होते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम तीन स्टूडेंट की बात करें, एक्स वाई जेड तीनों स्टार्टिंग कंडीशन एक साथ है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि एक्स को लगता है एक राउंड लेने में 10 मिनट्स, वाई को 12 मिनट्स एंड जेड को 15 मिनट्स, है ना। तो सपोज करो स्टार्टिंग कंडीशन में तीनों सेम पोजिशन पर है, 10 मिनट बाद की बात करें, आफ्टर 10 मिनट्स एक्स वापिस होगा यहीं पर, वाई कहाँ होगा, वाई होगा थोड़ा पीछे, अप्रोक्स सपोज करो यहाँ पर होगा वाई, है ना, और जेड अप्रोक्स यहाँ कहीं होगा, अप्रोक्स की बात करें, एग्जैक्ट बात नहीं करें, जेड अप्रोक्स कहीं यहाँ होगा ना, पर एक्स तो यहाँ होगा स्टार्टिंग आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है। यानी स्टार्टिंग कंडीशन में तीनों एक साथ है, लेकिन एक राउंड बाद 10 मिनट्स में तीनों की अलग अलग पोजिशन होगी, है ना, फिर एक और राउंड लगेगा फिर अलग पोजिशन। तो बस क्वेश्चन यही कहना चाहता है कि स्टार्टिंग कंडीशन में तीनों सेम पोजिशन पर है स्टार्टिंग, तो ऐसा कौन सा टाइम, हमको टाइम कैलकुलेट करना, ऐसा कौन सा टाइम आएगा जिस टाइम पर तीनों फिर से इसी पोजिशन पर होने वाले, तो उसके लिए भी हम अप्लाई करेंगे एलसीएम। अब हमारे पास एलसीएम में कितने मेथड, तीन मेथड, लिस्टिंग द मल्टीपल्स, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। आपको जो अप्लाई करना है आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हमने लिस्टिंग द मल्टीपल अभी पिछले एग्जांपल में देखा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड कोई भी एक ले लेते हैं ना, तो जैसी आपकी इच्छा। सपोज अगर हम स्टार्ट करते हैं, हम क्या करते हैं यूजिंग डिवीजन मेथड से करते हैं, चलो डिवीजन मेथड थोड़ा इजी है, हां डिवीजन मेथड देखो अब तीनों मेथड से करोगे तो भी सेम आएगा, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ना, तो कोई नहीं आधी। तो क्या क्या हमारे पास वैल्यू एक्स वाई जेड 10 मिनट 12 और फिर, तो हमको क्या करना है सबसे पहले डिवीजन मेथड 10 क्या 12 एंड 15 यही है, यही करते हैं डिवीजन मेथड में। याद आ रहा है आप सभी को, आपका रिवीजन भी हो जाएगा ना, ठीक है। तो पहले मिनिमम प्राइम नंबर 2 5 से 10 2 6 एंड ये तो जाएगा नहीं, तो एज इट इज, है ना, देन अगेन 2 2 5 एज इट इज 2 3 से 6 15 नाउ कम नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 आता है क्योंकि 2 तो कटेगा नहीं 5 एज इट इज 3 1 से 3 3 5 से 15 नाउ नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 5 1 5 1 5 1 जैसी 1 आ जाए स्टॉप कर देना, आपको मेथड क्लियर है, है ना। अब क्या करना, आपका एलसीएम क्या होता है, मेथड हम एलसीएम के अप्लाई कर रहे हैं, मेथड हम क्या ही अप्लाई कर रहे हैं एलसीएम की डिवीजन मेथड, लेकिन आंसर क्या मिलेगा जो हमारा रियल लाइफ एग्जांपल हम देख रहे हैं ना उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो फाइनली इसका सॉरी इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाने वाला 10 12 15 का एलसीएम क्या आएगा, मैं यहां लिखता हूं नीचे, इन सभी का क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना है इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, तो कर दो 2 2 3 5 2 2 3 5, तो क्या आ रहा है आपका आंसर 2 2 से 4 4 3 से 12 12 5 से 60, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर, तो फाइनल ये बना आपका आंसर, है ना। तो करेक्ट आंसर है आपका 60 क्या 60 मिनट्स 60 मिनट्स। तो फाइनल आपको अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या करना चाहता है, हमारा रियल लाइफ एग्जांपल क्या था, स्टार्टिंग कंडीशन एक्स वाई जेड तीन स्टूडेंट्स इस पोजीशन पे रेसिंग ट्रैक पर है, साइकिलिंग कर रहे हैं। अब आफ्टर 60 मिनट्स यानी आफ्टर 1 आवर एक घंटे के बाद 60 मिनट्स के बाद आप ऐसा देखोगे कि एक्स भी इसी पोजीशन पे आ जाएगा, वाई भी इसी पोजीशन पे आ जाएगा और जेड भी इसी पोजीशन पर आ जाएगा, समझ में आया। तो हमको ये भी मिल गया कि ये नेक्स्ट टाइम किस पोजीशन पर आएंगे और ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, विद द हेल्प ऑफ एलसीएम, एलसीएम में कोई भी मेथड अप्लाई हो। तो आपको समझ में आया, स्टार्टिंग पर जब हमने इंट्रोडक्शन दिया था एलसीएम का स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर, तो उसमें सिर्फ हमने
एलसीएम का रियल लाइफ एग्जांपल कहाँ यूज होता है वो सिर्फ आपको बताया था ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। फिर उस समय आपको मेथड्स नहीं क्लियर थे, फिर हमने उसको वन बाय वन सारे मेथड्स देखे। अब आपको सारी मेथड्स क्लियर है, इसलिए हमने एक में कौन सा लिस्टिंग द मल्टीपल्स और एक में डिवीजन मेथड अलग अलग मेथड अप्लाई करके आपको बता दिया कि कैसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपको समय में आया तो बस आज के लेक्चर यहीं तक है। अगर आपको कुछ भी डाउट और भी कोई आपके मन में क्वेश्चन है, कोई दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है इसके रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, है ना। तो आपको अगर समझ में आया तो बताइए, नहीं समझ आए तो भी बताइए, है ना। तो तब तक के लिए यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोग सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट एग्जाम, तब तक सभी को गुड बाय।